मैं मनीष बॉलीवुड टेक खोज में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। कुंद्रा जिन्हें कल रात को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मुंबई पुलिस ने आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया और इस पूरे केस का पर्दाफाश किया। मुंबई पुलिस ने बताया कि राज कुंद्रा के साथ कुछ 9 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें से कुछ प्रोड्यूसर हैं, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो मुंबई पुलिस के अनुसार महिलाओं को और लड़कियों को वेब सीरीज एंड शॉर्ट फिल्म में मौका देने के लिए कास्टिंग के लिए बुलाया जाता था, ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था। ये ऑडिशन के नाम पर, वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर ये महिलाओं से, लड़कियों से एक्सपोज करवाते थे, कुछ बोल्ड सीन करवाते थे और ये बोल्ड सीन कुछ सेमी न्यूड और न्यूड सीन की ओर जाता था। इसके कारण कुछ महिलाएं और कुछ एक्ट्रेस ने क्राइम ब्रांच में कंप्लेन किया था। ये कंप्लेन फरवरी 2021 में किया गया था और धीरे धीरे मुंबई क्राइम ब्रांच सबूत इकट्ठा कर रही थी। इसी सिलसिले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उमेश कामत को गिरफ्तार किया। उमेश कामत जो इंडिया ऑपरेशन देखता था, इंडिया ऑपरेशन उस कंपनी के लिए जो कंपनी राज कुंद्रा, जो शिल्पा शेट्टी के पति है, उससे संबंधित है। उमेश कामत राज कुंद्रा की कंपनी बयान का इंडिया ऑपरेशन देखता था और राज कुंद्रा इन सब क्लिप को परचेज करता था और लंदन की एक कंपनी है जिसे राज कुंद्रा के ब्रदर इन लॉ चलाते हैं, उसके साथ हॉटशॉट ऐप पर देते थे और उस पोर्नोग्राफी का और शॉर्ट क्लिप का मिसयूज करते थे, जिसी के तहत मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच मुंबई ने मालवणी पुलिस स्टेशन के अंडर पोर्नोग्राफी फिल्म्स के सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया था। उसी केस के प्रोग्रेस के तहत आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस केस में ऐसा निष्पन्न हुआ था कि जो नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स लिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा, वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशन जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुना दाखिल हुआ था। इस गुन्हे का तपास करते हुए आज तक, रादर कल तक, क्राइम ब्रांच ने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स पाए गए हैं कि जो इन टाइप की जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स होती है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है, उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें जैसे रोवा खान को ऑलरेडी अरेस्ट किया, उनके हस्बैंड को भी अरेस्ट किया है, गहना वशिष्ठ को अरेस्ट किया है, तनवीर हाशमी को भी अरेस्ट किया है, उमेश कामत नाम के एक बंदे को भी अरेस्ट किया है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चला कि ही वॉज लुकिंग आफ्टर दी इंडिया ऑपरेशंस फॉर द कंपनी ऑफ मिस्टर राज कुंद्रा, जो कि एक मुंबई के बिजनेसमैन है। उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाइप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा, इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन
इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से, मुंबई से ही किए जाते थे। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेंड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। इसीलिए कल रात में राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है।